नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्लेटलेट काउंट के बारे में। दोस्तों हमने सीबीसी, डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट, टीएलसीज, अपने आरबीसीज, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, इन सब के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं। ये क्या होते हैं, इनके ऊपर नीचे कैसे होते हैं, ये सब की सीरीज आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट्स में जाके, या फिर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के सर्च बार में, बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। अपने पसंदीदा टॉपिक के सामने डॉक्टर एजुकेशन लिख के सर्च करिए, यू विल गेट द वीडियो। सो आज बात कर रहे हैं प्लेटलेट काउंट कम ज़्यादा क्यों होते हैं। प्लेटलेट काउंट बढ़ भी सकते हैं, लो भी हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में प्लेटलेट काउंट बढ़ते हैं कुछ ही कारणों से। नंबर वन रीज़न जो प्लेटलेट काउंट बढ़ते हैं वो है थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग। अगर बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेटलेट काउंट हाई आ सकते हैं, राइट। क्योंकि ब्लीडिंग से प्लेटलेट, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस होता है, तो प्लेटलेट काउंट बढ़ते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाता है प्लेटलेट का। फिर कैंसर्स के बीमारियों में प्लेटलेट काउंट बढ़ जाते हैं, और दूसरी तरफ कैंसर के ट्रीटमेंट करे जाए तो उससे प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, तो ये भी एक चीज़ है। और बढ़ने का और एक कारण है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी से हीमोग्लोबिन लेवल्स कम हो जाते हैं लेकिन प्लेटलेट काउंट बढ़े हुए दिखते हैं। हीमोग्लोबिन के प्लेटलेट काउंट का और क्या कारण होता है बढ़ जाने का, बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो प्लेटलेट काउंट बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, रिमेंबर दिस, ठीक। तो ये चार ही कारण होते हैं प्लेटलेट काउंट बढ़ जाने के। और हीमो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप में एक चीज़ है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कम पानी पी रहे हैं तो सारे सेल्स कॉन्सेंट्रेट हो रहे, वो भी होते हैं, राइट। और लो प्लेटलेट काउंट होने के कारण क्या है, लो प्लेटलेट काउंट मतलब ये चार मोस्ट कॉमन, और भी कई कारण हैं, रेयर हैं, लेकिन हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे। अभी हम बात करेंगे लो प्लेटलेट काउंट। लो प्लेटलेट काउंट और काय के लिए हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं। अगर कहीं से कोई बीमारी है जो प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, अगर प्लेटलेट्स टूट जा रहे हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो वो बीमारियों में जैसे कि आपकी प्लेटलेट डेंगी, आपने सुना होगा प्लेटलेट काउंट डेंगी में कम हो जाता है, डेंगू में, आपके चिकनगुनिया में, और कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट वायरसेस, कई वायरसेस है जिसमें प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं। फिर प्रेगनेंसी में भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, और अगर प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो कई ऐसी बीमारियां जो स्प्लीन का साइज बढ़ा देती हैं, तो प्लेटलेट्स काउंट्स, प्लेटलेट्स और ब्लड सेल्स जो सारे वहां जाके डिस्ट्रॉयड सेल्स वहां जमा होते हैं तो वो बढ़ जाता है साइज। तो स्प्लीन का साइज अगर बढ़ा हुआ है तो वो भी एक इंडिकेशन है कि प्लेटलेट काउंट कम हो सकते हैं। फिर बोन मैरो में मैंने ऑलरेडी बताया, अगर बोन मैरो में अगर डैमेज हो जाए, बोन मैरो फेलियर, तो बोन मैरो प्लेटलेट बना ही नहीं पाएगा तो काउंट कम हो जाएगा। वो हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से, ट्यूमर की वजह से, रेडिएशन की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से। याद रखिए इनिशियल स्टेजेस में ट्यूमर, बोन मैरो ट्यूमर या बॉडी के अंदर कोई कैंसर प्लेटलेट काउंट बढ़ा सकता है, और फिर धीरे धीरे प्लेटलेट काउंट कम भी हो जाएगा, वो भी एक चीज़ है। लेकिन कैंसर की जो कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी मेडिसिन से प्लेटलेट काउंट कम होते हैं। ये सारे कारण है प्लेटलेट काउंट कम या ज़्यादा होने के। ज़्यादातर रीज़न, ज़्यादातर केसेस में जो इंटरप्रिटेशन है वो डिपेंड करेगा आपके बाकी के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कैसे है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, बीमारी क्या है, दिक्कत क्या है, उन सब से इंटरप्रिटेशन लिया जाता है कि भाई आपको दिक्कत क्या होगी और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ये हुई बात दोस्तों प्लेटलेट काउंट की। बाकी सारे वीडियो देखिए ताकि आपको नॉलेज समझ में आए, लेकिन खुद की बीमारी खुद ट्रीट ना करें, हमेशा डॉक्टर अपने फिजिशियन के पास जाके डिस्कस करें, डिस्कस करने से आपको ही पता चलेगा और फायदा होगा, ठीक। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।